أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي

जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की एक नई और दिलचस्प एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ तो दिलचस्प किस तरह हमने रसूल अलैहि वसल्लम के उसवा की बे, बेशुमार जहतों के बारे में सुना और जाना लेकिन आज जिस बारे में हम बात करेंगे वो ज़रा मुख्तलिफ है और वो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात जन्त के साथ नाजरीन अलैहि वल्लम मक्का में तबलीग करते हैं और आप अलैहि असलम को कुफार की तरफ से बेशुमार सख्तियाँ झेलनी पड़ती हैं फिर आप अलैहि वसम इरादा करते हैं तायफ़ का कि मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ के सरदारों को दीन इस्लाम का पैगाम दूँ मगर वहाँ होता क्या है ना सरदार माने ना उनकी आवाम मानी और रसूल अलैहि वसल्लम को उल्टा लहूलुहान कर दिया पत्थर मारे आप इतने अजीम हस्ती और आपके साथ क्या मामला किया गया बहुत दिल रंजीदा नबी करीम अलैहि वसल्लम जब वापस मक्का आ रहे थे तो रास्ते में वो क़ुरआन जिसको ताइफ ने सुनना ना चाहा अल्लाह सुबहन तआला ने अपनी एक और मखलूक को सुना दिया और वहाँ जन्नात ने नबी करीम अलैहि वसल्लम से क़ुरान सुना और वापस गए अपनी बस्तियों में गए और ये वो मौका था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज़ में किरात कर रहे थे जन्नात ने वो किरात सुनी वापस गए और अपनी कौम को कहा कि ये देखो ये कैसा कलाम है इन्ना समयना क़ुरआनाजा तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरीहा मेला मैं चाहूँगी कि अब आप इस पर कुछ रोशनी डालें बारकलफ़ीकुम जजाक़ल् खैर रसोल्ला सल्व वसम को अल्लाह सुबह ने मबूस किया अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा अरसलना का वास्लना आलमीन हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा तमाम मखलूक के लिए रहमत बनाकर भेजा फिर इसी तरह से शरा फुर्कान में अल्लाह ताला फरमाते हैं बाबरकत है वह अल्लाह व हस्ती जिसने फुर्कान यानी कुरान नाजिल किया अपने बंदे पर ताकि तमाम जहान वालों के लिए ये डराने वाला बन जाए वन करने वाला बन जाए तो इससे मुराद ये ली गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इंसान और क्या जिन्नात दोनों जो ये मखलूक़ हैं जिनको अस््लान भी कहा गया है रहमान में कि सनफ़ रुलकुम अस्लान ए ज़मीन के दो बोझो और असल में यही दो वो मखलूक़ हैं कि जिनको कुछ एक अख्तियार दिया गया है इस दुनिया में अपने फ़ैसलों का अपने आमाल का और इन्हीं दो का कयामत के दिन हिसाब किताब भी होना है जन्त का भी हिसाब होगा बिल्कुल जन्नात का भी हिसाब होगा ये हमें रहमान से बड़ा साफ पता चलता है क्लियर पता चलता है और फिर इसी तरह बाज़ःदी से भी हमें पता चलता है इनके लिए भी जन्नत और जोजख है इनका भी हिसाब है इनमें भी शरीर भी हैं इन में नेक भी हैं सोलिन भी हैं और एक चीज़ कितनी अमेजिंग है कि ये प्लानट अर्थ और इसके ऊपर आज हम जो टेंजिबल दुनिया को देखते हैं या हम साइंस के ज़रिए से हम समझते हैं कि हमने क्या क्या कुछ हमने डी कर लिया है हमने क्या क्या कुछ देख लिया है फ़िज़िक्स के लॉज की वजह से कहाँ से कहाँ इंसान अल्लाह के इनकार तक भी आ, आ, उस तक भी पहुँच गया कि बस फिज़िक्स के लॉज हैं और वो काम कर रहे हैं इसी प्लान अर्थ के ऊपर पूरी एक मखलूक आबाद है हम ज़्यादा कुत वाली हमसे ज़्यादा लंबी उम्र वाली फ़िज़िकली वो हमसे ज़्यादा क़्वत वाले हैं ठीक है अल्लाह ने इंसान को अशरफल मखलूक़ात बनाया है और नबी मबूस किए इंसानों में जो कि उनके भी नबी हैं लेकिन वो वैसे फिज़िकली उनके अंदर ऐसी अल्लाह ताला ने रखी हैं चीज़ें सलाहियतें कि जो इंसानों में नहीं हैं और हम उनको देख नहीं सकते वो हमारे इर्द गिर्द है वो कहाँ है वो अल्लाह ही को पता है लेकिन ये दुनिया जब अल्लाह ताला ने कोई चीज़ हमसे अलग रखी है या हमारे हवास से दूर रखी है तो फिर हम उसको नहीं ले सक रहे हम उसको नहीं फैद नहीं कर सक रहे हम उसका इदराक नहीं कर सक रहे

ही एक सुपरफिशल uh, ये एक उनकी दलील है सीइंग इज़ बिलीविंग वो तो वैसे जन्ात के अलावा भी ये बहुत जल्दी रेफ्यूट हो जाता है लेकिन ये है कि आप हर चीज़ तो देख ही नहीं सकते अब इस वक्त बाहर क्या है गाड़ी कोई खड़ी है नहीं खड़ी बाहर बारिश है नहीं है आपको नहीं पता तो क्या आप ये कहेंगे कि बाहर कोई दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती क्योंकि मैं देख ही नहीं रही तो ये जिस तरह से इस तरह के एक कमरे में बैठ के आप एक बाकी की रियलिटी को नेगेट नहीं कर सकते इसी तरह आप इस दुनिया में एग्जिस्टिंग रियलिटीज़ को नेगेट नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए कि आप उसको देखते नहीं हैं बाज लोगों ने ये कहा ना कुछ आ, आ, मुस्लिम स्कॉलर्स भी कुछ इस तरह की डिविएशन का शिकार हो गए और अपोलोजेटिक रवैया खास तौर पर जब हम इख्तियार करते हैं कि हम किसी चीज़ को अगर एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो हम उसका इनकार कर देते हैं कुरान में भी आता है ना कि इन्होंने सरेन्स की आयत का मफूम है कि इन्होंने उस चीज़ का इनकार कर दिया जिसको वो अहात ना कर सके तो अगर आप उनकी एग्जिस्टेंस का अहा नहीं कर सकते तो आप क्या उसका इनकार कर देंगे इसी तरह आप जैसे कहते हैं ना कि अकल अकल नजर तो नहीं आती बिल्कुल तो अगर आप किसी को कह दे कि तुम में अकल नहीं है तो वो तो इस चीज को पसंद ही ना करे एक वैसे लाइटर नोट बात है जैसे आपने कहा कि अकल तो नजर नहीं आती लेकिन हर इंसान अकलमंद कहवाना चाहता exactly, है एग्जैक्टली बिल्कुल तो हमारे अपने स्कॉलर्स में से कुछ ने यह कहा कि जन््त जो है ये कोई अलग से मखलूक नहीं है ये इंसानों ही की एक है वो कि जैसे वो कहते हैं कि जो देहाती हैं वो क्योंकि जिन जो है ना जिन का अगर आप देखें ना लुहवी माना अरबी में तो वो है कि जो चीज़ नज़र नहीं आती इसीलिए जन्नत को भी कहते हैं कि जन्नत वो बाग के जिसके नीचे इतना घना हो कि नीचे ज़मीन नजर आए और फीटस जो माँ के पेट में होता है उसको जिनीन कहते हैं तो इसीलिए इसको भी मखलूक को जिन कहते हैं कि नज़र नहीं आती तो देहाती जो हैं वो जिन्नात हैं शहरी लोगों को वो नज़र नहीं आते तो दूसरे लोगों ने बड़ा ही एक सिंपल सा वापसी उनको रिफ़्यूट किया कि इस तरह तो फिर देहातियों के लिए शहरी जिन होंगे तो फिर इसी तरह कुछ लोगों ने कहा कि शायद ये बैक्टीरिया है जो जी कुछ लोगों ने यह भी कहा इस तरफ भी गए तो और ये सारे उस वक्त होता है कि जब इंसान ये तगोदो अपनी शुरू कर देता है कि मैंने गैब को नहीं मानना तो आ, हम जब इस बात को मान लेना कि ला यही तो नबी शई इमिन ही बिमाशा हम इहाता कर ही नहीं सकते अल्लाह के इल्म का मगर उतना ही जितना अल्लाह चाहे तो जिस चीज़ का अल्लाह ताला ने इल्म नहीं दिया है अलबत् दुनिया में ऐसे वाक़ात लोगों के साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि उनकी जन्त के साथ कभी मुलाकात हो जाती है या कभी उनको कोई ना कोई उनका इंटरेक्शन हो जाता है तो मखलूक तो ये है इसलिए कि कुरान की नस से साबित है बिल्कुल और बार बार है बार बार है जी सुरत सुरत पर है।, है जिस तरह आपने अभी ये बात हमें बताई कि से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज पढ़ी नखला के मकाम पर परिबन तहजुद की नमाज थी तो जिन्नात ने कुरान सुना और जिन्नात के कुरान सुनने का दो दफा कुरान में जिक्र है एक सूरह जिन में है और एक मरतबा अहकाफ में है और ये दोनों फर्क टोलियां थी जिन्नात की जिन्होंने कुरान सुना है और ये मुसलमान हुए हैं ये जा उसी वक्त ईमान लाए हैं इन्होंने जाकर तो अपनी कॉम को जाके फिर बताया है कि हमने कितना अजब अमेजिंग हमने कलाम सुना है और ए हमारी कौम तुम ईमान ले आओ फिर उन्होंने एक और चीज़ जिसका जिक्र किया है वो ये है कि हम आसमानों पर जाकर बात जो है वो चुरा कर ले आया करते थे और अब हम देखते थे कि बहुत पहरा सख्त हो गया है तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि दुनिया वालों के लिए कोई बहुत भलाई का कोई फ़ैसला किया गया है या कोई बहुत बड़ा कोई डिजास्टर आने वाला है कि इतना पहरा किस चीज का है हम अब क्यों नहीं सुनगुन ले सकते अच्छा अब सुनगुन से जिन्नात का एक और हमें एक फंक्शन पता चलता है कि जो जरा नेगेटिव फंक्शन है वो ये है कि जब इंसानों में से कुछ लोग जो नजूमी काहिन जादूगर ये शरीर जिन्नात से मदद लेते हैं वो आसमानों से कोई सुनगुन ले आते हैं और काहिन के कान में जाकर तो वो बता देते हैं कि ये एक बात है जो होने वाली है और वो उसमें सौ झूठ और मिलाता है और जब एक ज़यफ़लकीदा इंसान सामने वाला जब वो उसको सुनता है बात को तो वो जब एक चीज़ सच्ची होती है तो वो कहता है कि फिर सारी ही सच्ची होंगी और वो फिर बिलीफ का टेस्ट हो जाता है ना फिर अल्लाह ताला वही चीज़ें होने देते हैं बिल्कुल उसके हवाले कर दिया जाता है ना इसमें यह है कि जिसने किसी नजूमी की तस्दीक की तो उसकी तो चालीस दिन तक नमाजें कबूल नहीं होंगी और जो कोई इस तरह किसी काहिन के पास जाता है गैब की खबरें लेने के लिए तो वो दरअसल उस चीज का इनकार करता है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए तो आएंगे पापा ये तो बहुत डराने वाली बात है ये तो हमारे यहाँ इतनी आम है कि किसी की चोरी हो गई तो वो किसी के पास चले जाएंगे चोर कौन है किसी के ऊपर कुछ असरात हैं तो वो किसी के पास चले जाएंगे कि अच्छा किसने किया है जादू किसने किया है ये अगर जादू हो जाए ना तो उसका रुकिया शरिया और जादू के जो मसनून इलाज है वो मौजूद है वो करने चाहिए लेकिन इसमें नहीं पढ़ना चाहिए कि किसने किया है जी लेकिन हमारे तो सबसे सेंसिटिव रिश्ता होता है ना उसकी तरफ इशारा वो कर देते हैं कि फलाने किया है और फिर हालांकि उसने नहीं भी अगर किया हो जी और बाजत ये भी सुनने में आया कि जितने जन्नात और इनकी जो नॉलेज होती है वो यहाँ प्रेजेंट बेस्ड होती है या पास्ट बेस्ड होती है तो जैसे अभी आपने कहा कि वो कोई भी रिश्ता अब वो उनको इतना आइडिया हो जाता है कि इस रिश्ते में इनके प्रॉब्लम है फिर वो उसी रिश्ते को टारगेट करते हैं वो वो फिर फिर जो है वो मजीद खराब उसके साथ होते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तयबा में हमें ये भी वाक मिलता है कि आपने जन्नात को तालीम भी दी है और ये एक मरतबा नहीं ये मुत्द मरतबा ऐसा हुआ है अलबत् एक मरतबा इबन मसूद रजिय फरमाते हैं कि हम रसली सल्ह वसलम के पास थे और फिर आप सल्लाम कहीं तशरीफ़ ले गए एक रात और हमने फिर उनको ढूंढा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मिले नहीं हम बहुत ढूंढा और हमने समझा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई बुरा मामला ना पेश आ गया हो तो फिर सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा की तरफ से तशरीफ़ ला रहे थे यानी ये मक्का का वाक़ है हिजरत से पहले का वाक बिल्कुल और ये वो वक्त है कि जब इस्लाम कमजोर था जब इंसानों में इतने लोग नहीं थे उस वक्त से जिन्नात जो है ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पढ़ते हैं तो आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास जिन्नात का एक दाई जो है वो आया था तो मैं उसके साथ चला गया और फिर मैं उनको कुरान की तालीम मैंने दी है तो मैं वहाँ गया था और इसमें वो भी आता है ना कि रहमान में जो अहदीस में हमें मिलता है सुर रहमान के फबी आला आलाब कुम का जवाब दिया है जी अलैहि वसल्लम ने किरा की, की है तो इन्होंने जवाब दिया है और आपने फ़रमाया कि उन्होंने तुमसे इंसानों से कहा कहाबा से फ़रमाया कि उन्होंने तुमसे बेहतर जवाब दिया है और उनका जवाब था फभी अय आला यूरबी कुमातुल का के अल्लाह की किन किन अपने रब की किन किन नेमतों को तुम दोनों झुटलाओगे तो वो हर मर्तबा ये कहते थे ला बिश इमिन नुकजिब फलकल हमद ए हमारे रब हम तेरी किसी नेमत तकजीब नहीं करते इनकार नहीं करते तेरे लिए ही है सारी हमद यानी जन्नात से हमें एक खूबसूरत जवाब लेके तो आप ने हमें बताया और फिर ये भी प्रूफ है ना जैसे अभी आपने बताया आप अलाक़िबान तस्निया तो का सीखा आ रहे हैं ना तो दो की बात हो रही है तो फिर दूसरा कौन ये, ये वाहिद सूरा है जी। कुरान की कि जिसमें थ्रू आउट दोनों, दोनों से, से खिताब है दोनों से खिताब है फिर इसी तरह एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा एक सहाबी जो है वो उनको कहा कि आपके लिए के लिए पत्थर लेकर आए और फिर आपने फरमाया कि हड्डिया और गोबर ये मत लाना कि ये तुम्हारे जिन भाइयों की खुराक है ओके ठीक है। तो आप देखिए कि कितना हमको एग्जिस्ट करते हैं हाँ। कितना हमको एग्जिस और, हैं। 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 और कितना ख्याल किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल एक रिजेक्टेड चीज है हड्डियां और गोबर और आप सल्लल्लाहु अलैहि ने मना फरमाया और आपने ख्याल किया है और फिर और मुझे ऐसे लगता है कि इन चीज़ों में बद एहतियाती भी बाज़ अवत रूहानी मसाइल का सबब बन जाती है बेशक तो फिर ये जो शैतान के बारे में आता है कि शैतान भी आग के लपट से पैदा हुआ तो क्या फिर वो भी जिन है बिल्कुल सुरः कहव में आता है का ना जिन वो जिन्नात में से है और सबसे बड़ा बल्कि वो जिन्नात का जो सरगना है वो है अबलीस अजाज़ील उसका असल नाम है और फिर आगे से उसकी औलाद है उसकी जरूरीत है सब जिन्नात हैं और फिर हमें एक और चीज से जन्नात के पनाह भीत पना तो कि भी हाँ, में से है लेकिन वैसे ही शैतन तो इंसानों में भी होते हैं शयातीन बिल्कुल तो लेकिन वैसे ये है कि जो शैतान इट सेल्फ है वो जन्नात में से है और उससे आप सल्लाम ने अल्लाह की पनाह मांगी है मुत्द तो जो है हैं, हैं। फिर इसी तरह से ऐसे ऐसे तावजात हैं कि जिस काब अल अहबार ने जो एक तावज उनके उससे हमें मिलता है तो वो फरमाते हैं कि अगर मैं ये ना पढ़ा करूँ तो यहूद मुझे गधा बना बिल्कुल। दें और वो उनके जादू के असर पर और इसी तरह वो एक वाक मिलता है ना ये मेरे पास भी इसी तरह लिखा हुआ है कि अबू तयाह जो है वो रिवायत करते हैं मुस्नद अहमद की हदीस है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा अब्दुल रहमान ने कि उस वक्त क्या कहा जब उनके पास शयातीन आए और उन्होंने कहा कि शयातीन मुख्तलिफ घाटियों से उतर उतर कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए इससे पता चलता है एक नहीं थे पूरा लश्कर था और उनमें से एक शैतान के साथ आग का शोला था जिससे उसने इरादा किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जला दे लेकिन फिर वो मरूब हो गया अल्लाह ने उसको

ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق الا طارق يترق بخير يا رحمان ये रुकिया शरिया में पढ़ी जाती है और इसका मतलब कुछ इस तरह है कि मैं अल्लाह ताला के कामिल कलिमात के साथ पनाह लेता हूँ जिनसे आगे ना तो कोई नेक और ना ही कोई बुरा बढ़ बुरा बढ़ सकता है हर उस चीज़ के शर से जिसको उसने बनाया क्योंकि इससे पता चलता है ना कि जिन्नात को भी अल्लाह ने पैदा किया और फैलाया और हर उस शर से जो आसमान से उतरती है और उस चीज़ के शर से जिसे इसने ज़मीन में पैदा किया और उस चीज़ के शर से जो उससे निकलता है और रात और दिन के फितनों के शर से और रात को आने वाले के शर से सिवाय उसके जो खैर के साथ आए ए बहुत रहम फरमाने वाले चुनाचे शयातीन की आग बुझ गई और अल्लाह अजल ने उनको शिकस्त दे दी तो ये जो दुआ है ये बहुत इफेक्टिव है और जब्राइल ने खुद आकर रसूल अलैहि वसल्लम को सिखाई है ये हमारी जिंदगियों का हिस्सा होनी चाहिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे बहुत से जो स्पिरिचुअल और अनएक्सप्लेन्ड मसाइल चले आ रहे होते हैं बात सेहत के भी वो इन दुआओं से दूर हो जाते हैं अब फिर आप देखिए कि अमूमन यंग गर्ल्स हों या खीन और ज़्यादातर ये ख़्वीन में मामलत पाए जाते हैं मर्दों में भी होते हैं लेकिन ख़्वा और स्पेशली यंग गर्ल्स वो अक्सर आपके सामने शिकायत करेंगी सर की दर्द की बैक बैक की दर्द की तो उसमें बेहतर है कि फिर उनका इलाज इन रुकया शरिया से किया जाए पेन आप लेंगे जरूर मेडिकेशन तो आप करेंगे लेकिन जितना जितना आपका बिलीफ स्ट्रौंग होगा बिलीव उतना ही असर करे, उतना ही असर बिल्कुल जी बिल्कुल अच्छा यहाँ पर एक बात जो है वो हम उन उनके जिक्र के बगैर जिन्नात का और ये सारा जिक्र मुकम्मल नहीं होता वो हैं है सलेमान बिल्कुल जिन्होंने खुद दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत दे कि जो मेरे बाद और किसी को ना मिले और उनके ताबे थे जिन्नात उनके ताबे थे और उनके लिए काम करते थे उन कई थे जो समंदरों के अंदर से जो जो समंदर के ख़जाने हैं कुछ स्टोन्स लाते होंगे पर्ल्स लाते होंगे जो जो वहाँ पे अल्लाह ताला ने रखी हैं नेमतें वो ला ला के देते थे फिर बिल्डिंग्स बनाते थे उनके लिए फिर इसी तरह से कुछ जो शरीर थे वो

इसके करीब से भी नहीं गुजरना चाहिए आपने हजरत सलमान का जिक्र किया तो उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूंगी जन्नात कोई डरने वाली मखलूक नहीं होते क्योंकि हमें यहाँ से पता चलता है कि जब वो इतने कमजोर हैं और इल्म में उनका इतनी कमी है कि हजरत सलमान की असा की वफात हो गई उन्हें पता ही ना चला बिल्कुल उनको पता ही ना चला और दीमक उनकी जो स्टिक है वो खा गई और जब वो गिरे तो उनको पता चला कि और, और उन्होंने कहा कि अगर हम गैब का इल्म जानते होते तो हम इस जिल्लत के अजाब में ना रहते कि हम कितने से काम कर रहे हैं ये समझ कर के वो हमें सामने से देख रहे हैं बिल्कुल है। तो मुझे ऐसे लगा आज की गुफ्तु से जन्नात के होने पर ईमान ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है बिल्कुल लेकिन डरना नहीं है जी डरना नहीं है और इनमें भी इनसे उसने जन भी रखना है बिल्कुल सारे शरीर नहीं होते सॉलीन भी होते हैं बारक अल्लाह नाजरीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के मामले में अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि इस ज़िंदगी की और इस दुनिया की कोई ऐसी जहत छोड़ी ही नहीं गई जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हमारी मदद ना करे तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें हिकमत सिखाए और अल्लाह ताला हमें वसल्लम की इतबा की तौफीक दे दे क्योंकि कोई भी काम کوئی بھی عمل ہم اللہ کی توفیق کے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم إلهي آمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته